और भारत निरंतर आत्मनिर्भर होता जा रहा है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे ने स्वदेशी हथियार प्रणालियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि हम अपनी हर जरूरत के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने हथियारों को कभी पूरी करने के लिए स्वदेशी कंपनियों से ही खरीद रहे थे। आर्मी चीफ ने यह भी बताया कि भविष्य में हम हर टेक्नोलॉजी की जरूरत स्वदेशी कंपनियों से पूरी कर लेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भविष्य में युद्ध भारतीय हथियारों से ही लड़े जाएंगे। सर, भारतीय सेना अब स्वदेशी तोप की तरफ जा रही है। ATAGS स्वदेशी तोप है। एक बख्तरबंद गाड़ी आपने अभी खरीदी है और आपने उसे लद्दाख में इंडक्ट किया है। मिसाइलें भारतीय कंपनियां बना रही हैं। सर, भविष्य में क्या वो दिन हम कभी देखेंगे कि हम जो हथियार भारतीय सेना को इस्तेमाल करते देखें वो स्वदेशी हो, जिस भी लड़ाई को लड़ रही हो भारतीय सेना वो पूरी तौर पर स्वदेशी हथियारों से लड़ रही हो, ताकि ऐसा ना हो कि भविष्य में कभी कोई ऐसी स्थिति आए कि कोई विदेशी कंपनी हमारे ऊपर, भारत के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध लगा सके। आपने सही कहा, और जो अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका एक मेन सीख हमको ये रही है कि हमको पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट या सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ताकि जितना भी डिपेंडेंस है उसको हम कम से कम या ज़ीरो बनाएं, और उसी के चलते आत्मनिर्भरता पर हमारा फोकस रहा है। और आगे भी जब हम जाएंगे तो जितने भी इंडिजिनस प्रोडक्ट, और मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है या पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे इंडिजिनस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स है वो विदेश में या पूरे अपने विश्व में जो भी स्टैंडर्ड्स है उससे कतई कम नहीं है। और साथ में उसके कई एक फायदे हैं, जैसे मेंटेनेंस सस्टेनेंस उतनी आसान होगी, नई टेक्नोलॉजीज उभर कर आएगी। और इसी दिशा में सरकार ने और हमने सेना में भी कई ऐसे कदम उठाए हैं, जस्ट लाइक हैंड होल्डिंग, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, कई पॉलिसी प्रोविजंस लाए हैं। ये सब का यही मकसद है कि किस तरह से वी मस्ट एनकरेज इंडिजिनाइजेशन टू मेक आर डिफेंस फोर्सेस स्पेसिफिकली इनटू और आर्मी इनटू अ मोर कैपेबल, अ मोर टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड मॉडर्न फोर्स, फुली कैपेबल ऑफ मीटिंग फ्यूचर चैलेंजेस।